नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बिजनेस आज तक, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। आज हम बात करेंगे आखिर कैसे साइबर हमलों से भारतीयों पर दुनिया में सबसे ज्यादा खतरा मंडरा रहा है। इसके साथ ही जानेंगे क्यों इस बार के फेस्टिव सीजन में टेम्प्ररी नौकरियों की होने वाली है भरमार, और जानेंगे क्यों वोडाफोन आइडिया के डूबने का बढ़ गया खतरा। लेकिन शुरुआत बिजनेस टॉप 10 के साथ। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बुधवार से शुरू हुई बैठक, 6 अगस्त को रेपो रेट में बदलाव समेत तमाम आर्थिक पहलुओं पर आरबीआई जारी करेगा ब्यौरा। टैक्सपेयर्स को आयकर विभाग ने दी राहत, 6 फॉर्म्स और स्टेटमेंट्स के लिए सरकार ने बढ़ाई डेडलाइन। अपनी हिस्सेदारी सौंपने की बिरला की पेशकश के बाद वोडाफोन आइडिया को एक और झटका, वोडाफोन ने कंपनी में ताजा निवेश की संभावना से किया इनकार। अब मोबाइल वॉलेट से भी राइट इशू में निवेश करना होगा मुमकिन, सेबी ने दी मंजूरी। बुधवार को एक साथ 3600 करोड़ के 4 आईपीओ आए, 6 अगस्त तक लगा सकेंगे चारों के लिए बोली। ई व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए सरकार का नया कदम, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए नहीं लगेगी फीस, आरसी रिन्यूअल के लिए भी कोई फीस नहीं लगेगी। पेमेंट स्टार्टअप भारत पे हुआ यूनिकॉर्न क्लब में शामिल, $2.85 बिलियन हुई कंपनी की वैल्यूएशन। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज पर सबसे ज्यादा ग्रीन एनर्जी खरीदने वाली कंपनी बनी वेदांता, जीटीएएम से खरीदी 354 मिलियन टन रिन्यूएबल एनर्जी। स्मगलिंग और नकली सामान की घुसपैठ से आर्थिक संकट बढ़ने की फिक्की कास्केड में जताई गई आशंका, तमाम कोशिशों के बावजूद नहीं हो पा रही है रोकथाम। 75वें स्वतंत्रता दिवस तक 75 स्मार्ट ग्राम विकास कार्यक्रम होंगे विकसित, WICCI और वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड ने किया बोस्टन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के साथ करार। जिंदगी को आसान बनाती डिजिटल दुनिया कुछ डरावनी खबरें भी लेकर आती है। भारत में साइबर क्राइम के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। दुनिया भर में भारत के घरेलू पर्सनल कंप्यूटर सबसे ज्यादा हैकर्स का शिकार हो रहे हैं। पुलिस के लिए भी ये केस बड़े सरदर्द की वजह बन गए। साइबर क्राइम के बढ़ते मामलों के बीच आम लोगों के साथ हो रही ठगी से अब पुलिस भी परेशान हो गई है। देश के कई शहरों में पुलिस लोगों को साइबर ठगी से बचाने के लिए जागरूक करने में जुट गई है। यूपी हो या फिर गुजरात, पुलिस न केवल लोगों के पैसे वापस दिलाने की कोशिश कर रही है बल्कि लोगों को इन जालसाजों के झांसे में आने से बचाने की कोशिश भी कर रही है। 11 साइबर अपराधी पकड़ा है जिनके पास से 25 मोबाइल, 32 सिम कार्ड, एटीएम कार्ड 19, पासबुक 8, चेकबुक 6 और स्विफ्ट मशीन 4 अल्ताफ अंसारी के पास से, और नगद के रूप में 19,500 रुपये बरामद हुआ है। इसमें अभियुक्त अल्ताफ अंसारी अपनी पत्नी के साथ मिलकर पिनो बैंक और एयरटेल पेमेंट वे CSP चलाते हैं। इसी तरह से बैंकों में KYC के जरिए हो रही धोखाधड़ी से रोकने के लिए भी बैंक ग्राहकों को सचेत कर रहे हैं। दरअसल साइबर ठगी का मसला भारत में तेजी से बढ़ रहा है। मंगलवार को सरकार ने संसद में जानकारी दी कि 2017 से 2019 के दौरान देश में साइबर अपराध के 93,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए। इस दौरान देश में साइबर आतंकवाद के 46 मामले दर्ज किए गए और इन मामलों में IT कानून की धारा 66F के तहत मामले दर्ज किए गए। NCRB के मुताबिक 2017 में साइबर अपराध के 21,796, 2018 में 27,248 और 2019 में 44,546 मामले दर्ज किए गए। यानी ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। कोरोना काल में तो इसमें और भी तेजी से इजाफा हुआ है। अब तो सेक्स टॉर्शन जैसे नए तरीके आजमा कर लोगों की जेब से रकम निकाली जा रही है। जानकार भी लोगों को लगातार इनसे बचने की चेतावनी दे रहे हैं। साइबर सुरक्षा को जीवन जीने की शैली के स्वरूप में अडॉप्ट करना पड़ेगा। दूसरी बात, अपने जो डेटा है उसका बैकअप आपको लेना अत्यंत आवश्यक है। कोशिश करें हर हफ्ते में एक बार बैकअप जरूर ले लें ताकि अगर आपके यहाँ रैंसमवेयर अटैक होता है तो आपका बैकअप आपको बचाएगा और आपका डेटा नहीं जाएगा। तीसरी बात, अपने सिस्टम्स को ज़्यादा सुरक्षित रखने का प्रयास करें तो अच्छा एंटीवायरस प्रोग्राम डालें, अच्छा फायरवॉल डालें ताकि जहाँ तक हो सके आपको सूचनाएं मिलती जाएं जब आक्रमण करने का प्रयास किया जा रहा है। भारतीयों पर साइबर अपराध की तलवार किस तरह लटक रही है इसका अनुमान डिजिटल सिक्योरिटी और प्राइवेसी प्रोवाइडर अवास्ट की रिपोर्ट से लगाया जा सकता है। इसके मुताबिक भारत में 28.22% घरेलू PC यूजर्स पर साइबर अटैक्स का सबसे बड़ा जोखिम है। भारतीय घरेलू यूजर्स का जोखिम अनुपात 5.78% के साथ है जो ग्लोबल रेशियो से भी ज्यादा है। यानी साइबर ठगी के मामलों को हल्के में लेना
अब लोगों के लिए बड़ी मुसीबत का सबब बन सकता है। ऐसे में साइबर फ्रॉड से बचने का अकेला तरीका जागरूक होना है, जिससे किसी भी लालच में आकर पैसे गंवाने की नौबत न आए। आज तक ब्यूरो। कोरोना की दूसरी लहर से तेजी से उबरती देश की अर्थव्यवस्था फेस्टिव सीजन में बड़े फायदों की सौगात लेकर आ रही है। इस बार के त्योहारी मौसम में डिलीवरी और पैकेजिंग जैसी अस्थायी नौकरियों की बरसात होगी। ई कॉमर्स से लेकर रिटेल सेक्टर तक इस तरह का रोजगार जमकर बांटा जाएगा। भारत में फेस्टिव सीजन को कारोबार के लिहाज से सबसे बेहतरीन समय माना जाता है। इस दौरान खपत आधारित भारतीय अर्थव्यवस्था को बिक्री से बड़ी मदद मिलती है। ग्राहक जमकर खरीदारी करते हैं, दुकानदार खूब बिक्री करते हैं और अर्थव्यवस्था को इससे बड़ा बूस्ट मिलता है। लेकिन इन सब फायदों के साथ साथ ये त्योहारी मौसम लोगों के लिए रोजगार की सौगात भी लेकर आता है। इन दिनों कंपनियां कई कामों के लिए टेम्प्रेरी यानी गिग वर्कर्स की हायरिंग करती है। इस बार तो इन कर्मचारियों की कुछ ज्यादा ही भर्तियां की जाने वाली हैं। कई हायरिंग रिसर्च फर्म की रिपोर्ट के मुताबिक त्योहारी सीजन में टेम्प्रेरी वर्कर्स के अच्छे दिन आने वाले हैं। इस बार फेस्टिव सीजन में कामगारों को पिछले साल के मुकाबले 35% ज्यादा काम मिलेगा। इसकी वजह है कि ज्यादातर रिटेलर्स ऑनलाइन कारोबार पर फोकस कर रहे हैं। सबसे ज्यादा रोजगार ई कॉमर्स, फूड टेक और रिटेल सेक्टर में मिलने का अनुमान है। त्योहारी मौसम में ऑर्डर बढ़ने से इन कंपनियों को सामानों की डिलीवरी, लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउस, पैकेजिंग और दूसरे कामों के लिए ज्यादा लोगों की जरूरत होगी। दरअसल त्योहारी सीजन में मांग बढ़ने और डिस्काउंट की वजह से कंपनियों के पास ज्यादा ऑर्डर आते हैं। ई कॉमर्स और लॉजिस्टिक कंपनियों के बिजनेस में बहुत बड़ा उछाल देखा जा रहा है और उम्मीद यह है कि आने वाले साल के अंदर इसमें काफी ज्यादा नौकरियां आने वाली हैं। एक अनुमान के मुताबिक इस समय 10 लाख स्क्वायर फीट जगह की रिक्वायरमेंट सिर्फ दुराहा जैसे छोटे शहर पे है, जहां से जो लुधियाना के बिल्कुल नजदीक में है। तो इसका मतलब यह है कि ये कंपनियां आज के समय के अंदर टायर टू सिटीज के ऊपर बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस बार डिमांड के लिए रिटेलर्स महानगरों या दूसरे बड़े शहरों के भरोसे नहीं रहेंगे। इस बार डिमांड को बढ़ाने में बड़ा रोल छोटे शहरों का रहेगा। ई कॉमर्स और लॉजिस्टिक कंपनियां तो ऑर्डर की बढ़ती मांग को देखते हुए लोगों की भर्तियां शुरू भी कर चुकी हैं। कंपनियों का कहना है कि इस साल में नए टेम्परेरी कर्मचारियों की मांग अचानक बढ़ गई है। माना जा रहा है कि इस साल के त्योहारी सीजन में करीब 3 लाख लोगों की अतिरिक्त भर्ती कंपनियां कर सकती हैं। ये भर्ती कंज्यूमर ड्यूरेबल, लॉजिस्टिक्स, लाइफस्टाइल और दूसरे सेगमेंट में होंगी। ऐसे में तय है कि रोजगार में बढ़ोतरी केवल मेट्रोज तक सीमित नहीं रहेगी। इसका फायदा देश के ज्यादातर हिस्सों में मिलने का अनुमान है। हालांकि इन अनुमानों के सटीक साबित होने का काफी दारोमदार तीसरी लहर की टाइमिंग पर भी रहेगा। अगर तीसरी लहर आई और इसने भी कहर बरपा दिया तो फिर हालात कैसे होंगे इसका अनुमान लगाना मुश्किल होगा। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। बिजनेस आज तक में मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।